बोले ये गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले गरुड़ रहते हैं ये वैकुंठ लोग में। अगर उनको कहीं पता चले ना कि भगवत कथा हरि चर्चा हो रही है, वो वैकुंठ छोड़कर कहाँ जाते हैं, इसी मरते जगत में कथा सुनने, श्री जगन्नाथपुरी में कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो आप लोग कितने सौभाग्य बात है, देवता लोगों को देव लोग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा, शंकर जी को कैलाश लोग छोड़ना पड़ा, गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ा, लेकिन आप लोगों को छोड़ना पड़ा, आप लोगों को आप लोग कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। और ये कथा रूपी गंगा बहते बहते हमारी घर को सामने आ गई और हम लोग बैठ बैठ कर कथा रूपी गंगा में यहीं पर बैठ बैठ कर हमने स्नान कर लिया। मतलब है सब जो हम लोग बड़े सौभाग्यवान आज जो हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। देखो जो कथा है ना, कथा है कि जो कथा है, और दो मिनट सुन लो कि जो कथा, ये कथा दो तरह का श्रोता, इसकी दो तरह के श्रोता है। किसी जो था ध्यान देकर सुनो कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, पर ये कथा हमें फल प्रदान करेगी। इसलिए कथा कहते दो तरह का श्रोता है, कितने तरह के कहते, एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक साधारण श्रोता है। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता है कहते वो चार तरह के, कितने तरह के अब याद रखना, मैं खरे सुनूंगा इसको, किसको याद है कल मेरे को सुनाना, इसलिए ऐसे सुनना जैसे मेरे को कल आप बता सकते हो, ठीक है। पहला नंबर जो श्रोता है, हैं जो पहला नंबर कहते ये हंस, अब हंस को दूध दो, देखना वो दूध दूध तो पी लेगा लेकिन वो पानी पानी को वो छोड़ देता है। इसका मतलब वो श्रेष्ठ श्रोता है जो जीवन में सार सार को तो ग्रहण कर ले और असार को त्याग दे। फिर दूसरा नंबर है मधुमक्खी, अब मधुमक्खी को देखना भले ही कांटा वृक्ष में कोई फूल क्यों नहीं हो, कि तुम वहां भी बैठे करके वो शहद ले लेगा, हैं कांटा वृक्ष क्यों नहीं हो। इसका मतलब है मधुमक्खी जैसे होनी चाहिए, हर जगह से हमें सार 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 कर वस्तुओं को हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए एक मधुमक्खी और एक मक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी तो देखना शहद में बैठता है, मक्खी कहाँ पर बैठता है, मक्खी कहाँ बैठता है, वो गंदी चीज में बैठता है। इसलिए हमें गंदे चीज में नहीं बैठनी चाहिए, हमें कहाँ बैठनी चाहिए, मधु में ही मधुमक्खी बनकर के शहद ग्रहण करनी चाहिए। ये दूसरा नंबर है। बोले तीसरा नंबर बताया मछली, अब देखना मछली का जो आंखों का जो पलक है ना वो कभी नहीं झपती है, एकदम वो खुली हुई आंख है। मतलब कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले एक मन से कथा सुननी चाहिए, मन तो इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। मछली जैसे आँख खोल करके, आँख जैसे वो फाड़ फाड़ कर रखती है ना, हम भी कथा एक मन से कथा में सुननी चाहिए। कितना कितना तरह का हो गया, तीन हो गया ना। चौथा बताया ये है चातक, कहते ये चिड़िया होता है ये चातक। अब देखना ये चातक का एक विशेषत्व है, वो किसी नदी का पानी पीता नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। वो कौन सा पानी पिएगा, जब बारिश ही हो ना वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। इसका मतलब है भैया कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, दुनिया की कोई कथा हम नहीं सुनेंगे। ये चातक है। और एक है कहते तोता, ये तोता की एक विशेषत्व है, वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारता है, वो मुंह मारेगा तो पका हुआ फल में मुंह मारेगा। मतलब क्या है, हम जहाँ तहाँ हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए, मुंह मार तो ठाकुर जी की कीर्तन में भगवत कथा में ही मुंह मारो। कहते ये तो हो गया पांच तरह का अच्छे श्रोता, कहते पांच तरह का साधारण श्रोता, कनिष्ठ श्रोता है जो सही नहीं है। पहला नंबर है ये भोरू, ये चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में, इसका एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाओ बना आपको तो ठीक वैसे ही सुना देगा, लेकिन वो करते समय उल्टा करेगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में
एक अक्षर भी आचरण नहीं करेगा। दूसरा नंबर है ऊंट। अब देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया पता तो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा ये बबलू का पेड़ कहाँ पर है। बबलू का पेड़ मतलब जिसे बोले कांटा ही कांटा होता है, है? मतलब जो भगवत चर्चा जिसको अच्छे नहीं लगे, जिनको दुनिया की उसकी बेटी ने ऐसे कर दी, उसके घर में बहू ऐसे की, भाई भाई में दुनिया की बात हो ना कान खड़ा हो जाती, लेकिन जो प्रभु की कहीं चर्चा हो वहां पर नींद आती है, वहां पर नींद आ जाती है, कभी ये ऊंट है। तीसरा नंबर है कभी ये बैल। अब बैल को आप सुंदर सुंदर कोई फल दो, कोई घास दो, उसके लिए सबके सब बराबर है। मतलब भगवत चर्चा हो नहीं तो दुनिया की कोई कथा हो, है कोई भी कथा हो, उसमें बैठ जाते, बोले नहीं सुनेंगे तो हरि की ही चर्चा सुननी चाहिए। कितना तरह का हो गया, आप लोग गिन नहीं रहे, कितने तरह का, तीन तरह का हुआ है। और चौथा नंबर है भेड़िया। भेड़िया है छोटा जाति का एक बाघ होता है, वो हिरण कोई सुल्ली शब्द सुने ना उसको कान एकदम खड़ा हो जाता है, है? लेकिन वो भेड़िया तो हिरण को पकड़ नहीं सकता है, वो देखता है कब सुल्ली शब्द सुन करके उसमें मुक्त हो जाए और ठीक उसी समय में वो आक्रमण करेगा। बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है कुछ कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा तो सुनते नहीं और जो पास में जो बैठ कर सुनते ना उनको भी सुनने नहीं देते और बीच बीच में उनको जो डिस्टर्ब करते रहते हैं इनको कहते भेड़िया। कहते कथा चार तरह का है, कितना तरह का है, बोले सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। बोले राजसिक कथा किसको कहते हैं, बड़े ठाड़ बाड़ से कथा के आयोजन किया और सबको बुलाया कथा में आओ कथा में आओ, लेकिन कभी कभी व्यवस्था में इतने कभी कभी बिजी हो जाते हैं जो मेन क्या है भगवत कथा सुन, मेन भगवान की कथा सुनना यही मेन है, लेकिन कभी कभी होता है कथा में नहीं बैठ पाते, कथा ही नहीं सुन पाते, किसने कोई खाया कि कोई रुका को बस इसी चीज में जो बिजी हो जाए। कहती ये राजसी कथा, बोले नहीं कथा होने से पहले सारे काम को समाप्त कर देनी चाहिए और कथा का समय में एकदम मछली जैसे आग खुलकर, जैसे मछली का जैसे आग खुला हुआ रहता है ना, इसलिए कथा होते समय इधर उधर नहीं जानी चाहिए। देखो कथा सुनोगे तभी तो पूरी कथा का फल मिलेगा ना, मूल है कथा, मूल है कथा, इसलिए इसको कहते राजसी कथा है। और तामसी कथा क्या है, जैसे सात दिन तक कथा है, कभी बैठ गए कभी इच्छा नहीं हुआ एक चक्कर लगा करके आ गए, कभी बीच में आ गए, कभी सुने कभी नहीं सुने, मतलब किसी तरह से सात दिन बिता देना, कभी ये तामसी कथा है। मतलब सात्विक कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं, लेकिन सही कथा क्या, निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा से प्याम, सदा से प्याम, जिसने संपूर्ण जीवन को ही भक्तिमय बना, रोज घर में स्नान करके तिलक लगाए, नियमित करके गीता हो भागवत हो, रोज कोई भक्ति ग्रंथ रोज नियम करके पढ़े, अपना हरिनाम को करे, ठाकुर को सेवा पूजा करे, हैं संपूर्ण जिसने अपना जीवन को प्रभु की भक्ति में ही डुबा दिया है, हर काम पर उसको ये स्मरण होनी चाहिए हम जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर को सेवाएं कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगाओ कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बनाओ किस लिए खाना बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा, है पैसा कमाते हो क्यों पैसा कमा रहे हो, बोले ठाकुर को सेवा में लगेगा, स्नान कर रहे हो क्यों स्नान कर रहे हो, बोले बगैर पवित्र होते हुए ठाकुर जी तो सेवा पूजा कैसे करेंगे, जिसने पूरा अपना जीवन को ही भगवत भक्ति में बना दे कभी यही कथा ही सही कथा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसको बाद हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी है, ये प्रभु जी सॉफ्ट इंजीनियर थे, आप बम्बे में पहले काम करते थे ना कहीं बेंगलोर में, यानी कि लाख रुपया की तनख्वाह थी, लेकिन जब गुरु जी कथा सुने ना फिर उन्हें सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आ गए, अभी प्रभु जी भजन करते हैं, बड़ी अच्छे भजन करते हैं और बड़ी ज्ञानी है और सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाते हैं।
आपका भी वो थोड़ी सी भागवत है क्या चीज, हम भागवत सुनने पर हमें क्या मिलेगा, भागवत ग्रंथ की क्या महिमा है, वो थोड़ी सी आपको सुंदर भागवत का कथा सुनाएंगे। प्रभु जी आपकी भजन सुना देते, उसके बाद में सुनाए बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जान को कि डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे की राधे राधे रटते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जनन की आपदा श्री राधा नाम तेजा। श्री वृंदावन धाम अपार लटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम हरे लटे जा राधे राधे, लटे जा राधे राधे, जते जा राधे राधे, जते जा राधे राधे, जते जा राधे राधे, राधे राधे, जते जा राधे राधे, राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार लटे जा राधे राधे, श्री राधे सभी विजय कार्यों के पूरा करते रहे भाइयों। कन्हैया बोले श्री राधे राधे बोले, हरे वृंदावन कन्हैया बोले श्री राधे राधे बोले, हरे
Thank you.
कोई कोई ताली बजाते हैं, कोई नहीं बजाते। देखिए महाराज जी अभी कह रहे थे ना, ताली बजाने से कितना फैल जाते, एक जो हाथ की रेखा है बदल जाती है, हाथ की रेखा बदल जाती है, जो गड़बड़ सड़गड़ रेखा है वो मिट करके भक्ति रूपी रेखा का उदय होता है। इसलिए सभी लोग झंझट की उत्पन्न हो ताली जरूर बजाते। और दूसरी बात यह है, हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं कि एक संत को दूसरे संत से पूछा कि भाई जहां देखो वहां देखते हैं कीर्तन में क्या जाता है कथा में, तो ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले कि कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो बोले कि पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो दूसरे संत बोले कि पाप निकल कर जाता कहीं नहीं है। बोले फिर क्या होता है, पाप आ जाता है। बोले जो कीर्तन में ताली बजा के कीर्तन करते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो आप लोग सोचे क्या करेंगे, ताली बजाएंगे नहीं? एक बार सभी लोग हाथ उठा ऊपर, हाथ उठा कर क्या बोलना है आपको? यहाँ देखिए रिक्शा वाला भी राधे राधे, बंदर भी राधे राधे, मोर भी राधे राधे, राधे की बिना कोई है ही नहीं। तो इसलिए सभी लोग हाथ उठाकर क्या बोलेंगे, राधे राधे बोलना है। सभी लोग हाथ उठा लीजिए, राधे नाम की धुनी लगाएंगे सभी मिलकर। अरे प्यार से बोलो श्री वृंदावन, तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। शील महाराज जी का आदेश है कि श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में मैं कुछ कीर्तन करूँ। शील महाराज जी से अभी हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत इस जगत में किस प्रकार से प्रकट हुए। भगवान जब अपने धाम को चले गए और भगवान के साथ ही साथ इस जगत से ज्ञान भी चला गया, तो भगवान ने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्य को प्रकाशित किया। अंधकार को कौन दूर करते हैं? सूर्य। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कौन है? सूर्य। लेकिन सूर्य और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो सूर्य है वो केवल जिनकी आंखें उनके लिए ही प्रकाश कर सकते हैं। जो अंधा है उसके लिए सूर्य की कोई वैल्यू है? नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है कि जिसकी आंखें नहीं है उसके लिए भी इसकी महिमा है। वो कान से सुनकर भी इस श्रीमद् भागवत के द्वारा इस संसार सागर से पार जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के स्वरूप के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवत स्वरूपम। कि ये श्रीमद् भागवत कौन है? तमादिदेव। आदिदेव कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सबसे पूर्व में कौन है? सबसे मूल के भगवान जो है कृष्ण, वही तमादिदेव। करुणा निधान, जो करुणा के निधान है, करुणा के सागर है। तमाल वर्णम, जिनका रंग कैसा है? तमाल वर्ण का है। सुहितावतारम, और इस जगत पर कृपा करने के लिए उन्होंने एक अवतार धारण किया। वो अवतार किस रूप में है? भगवान के अवतार अनेकों रूप में होते हैं, लेकिन ये जो अवतार है वो शब्द ब्रह्म के रूप में है। श्रीमद् भागवत महापुराण। अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवत स्वरूपम। ये संसार कैसा है? अपार, जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी चेष्टा के द्वारा पार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए पार कर सकता है? कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, इस विश्व का सबसे अच्छा ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडलिस्ट जीता हुआ भी संसार को पार कर सकता, ये समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? एक जहाज चाहिए। नौका से भी काम नहीं चलेगा, समुद्र को पार करने के लिए जहाज चाहिए। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है ये किस इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कैसे है? सेतु, पुल के समान। मान लो एक समुद्र के ऊपर पुल बना लिया तो ऊपर से चल करके सहज ही पार कर सकते। तो हमने बताया था कि सूर्य में और भागवत में क्या अंतर है। सूर्य के द्वारा कभी आपने सुना कि भवसागर से पार हो जाते हैं, तो ऐसे प्रकाश से लाभ भी क्या? लेकिन श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से इस जगत से संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो आप लोग, फिर प्रश्न हो सकता है किसी का, कोई और इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, उसने सोचा अच्छा चलो प्रभु जी ने बता दिया कि जिनके आंख नहीं है उनको सूर्य प्रकाश नहीं देते,
लेकिन भागवत बिना आंख वालों को भी प्रकाश देते हैं, वो कान से सुन सकते हैं, लेकिन जो अंधा भी है बहरा भी है तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? कहते हैं श्री भागवत क्यों कि अभी श्रील महाराज जी ने क्या बताया, श्रीमद भागवत क्या है, श्रीमद भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। अब उस स्थान पर बैठने के बाद जहां पर श्रीमद भागवत होते हैं, उस स्थान के चारों ओर के जो वातावरण है वो पूरा पवित्र हो जाता है, आंख की कान की नाक की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी श्रीमद भागवत कृपा करते हैं, यहाँ तक कि श्रीमद भागवत के द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में बताया, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभी सुश्रुषुभी तच्छदा। ये श्रीमद भागवत जो है इसमें एक धर्म का वर्णन किया गया है, वो धर्म इस संसार के जैसे धर्म होते हैं हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म मुस्लिम धर्म इस प्रकार का धर्म नहीं है। वो धर्म कौन सा धर्म है, भक्ति धर्म। और उस भक्ति धर्म की महिमा क्या है, परमो प्रोचित कैतुवो अत्र, वो जो भक्ति धर्म है इस जगत में जितने भी कपट है सारे धर्मों में कुछ ना कुछ कपट आपको जरूर मिलेगा, वो सबके कल्याण के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी मनुष्य मान लो हिंदू धर्म बनाया तो उसे पशुओं का क्या कल्याण है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उससे पशुओं का कोई कल्याण होता है? लेकिन भागवत धर्म ऐसा है कि पशु पक्षी कीट पतंग चर अचर जितने भी जीव हैं उन सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए परमो ने धर्म प्रोजित कैतवत परमो निर्मसरणम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, और इस श्रीमद भागवत के द्वारा वास्तव वस्तु को जाना जाता है। ये जो हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्म है ये कैसे धर्म है, शरीरों के धर्म है, इसलिए धर्म कन्वर्ट कर देते हैं, हिंदू से मुस्लिम बन गए मुस्लिम से ईसाई हो गए, लेकिन ये जो श्रीमद भागवत धर्म है ये एकमात्र वास्तव वस्तु कौन, कृष्ण, कृष्ण को जानने के लिए। और इसकी इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति मान लो अगर किसी काम में बिजी है, अब आपके पड़ोस में भागवत चल रही है, आपके पड़ोसी ने कहा कि चलो हम लोग भागवत श्रवण करके आ जाते हैं, लेकिन आप किसी काम में बिजी हो या घर में कोई बीमार है तो नहीं जा सकते, तो बस इतना सोचने मात्र से कि देखो इनका कितना सौभाग्य है कि ये आज भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं अपने घर गृहस्थी के कामों में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मैं भागवत सुनने के लिए नहीं जा सकती। तो जो व्यक्ति भागवत सुनने के लिए जा रहा है उसका अनुमोदन करने मात्र से कहते सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र, भगवान इतने दयालु हैं कि वो उसके हृदय में भी आकर के शीघ्र विराजमान हो जाते हैं। इतना श्रीमद भागवत का फल है कि जो सुनने के लिए नहीं गया लेकिन उसने ये कह दिया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता तो मैं भी सुनता, उतने से ही उसको भागवत सुनने का फल मिल जाता है। इस संसार में ऐसा कोई और दूसरी चीज है, कोई एक व्यक्ति है नौकरी करने जा रहा है, उसको जैसा बताया 1,00,000 रुपए सैलरी मिल रही है, अब तुमने बोला भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें 1,00,000 रुपए सैलरी वाली नौकरी मिली है, ये कहने के साथ साथ आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा? इस जगत में और दूसरी कोई ऐसी वस्तु है जिसमें सिर्फ बोलने मात्र से फल मिल जाए बिना कुछ किए ही, न तो वो वहां पर गया न उसने भागवत सुनी, सिर्फ इतना मात्र बोल दिया, यही श्रीमद भागवत महापुराण की महिमा है। सत्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुश्रुषुभि, सुश्रुषुभि माने जो सुनने की इच्छा मात्र करता है उसके हृदय में भगवान उसी क्षण आकर के विराजमान हो जाते हैं। और फिर तृतीय मंगलाचरण श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये श्रीमद भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद व्यास जी हैं वो स्वयं भगवान के अवतार है। जब द्वापर युग खत्म हो गया, भगवान अपने धाम को चले गए, तो भगवान के ही अवतार वेद व्यास जी, उनको पता था कि जो कलयुग के लोग होंगे वो अत्यंत मंद बुद्धि वाले होंगे, उनको कुछ भी स्मरण रहेगा ही नहीं, उसके पहले जितने भी ग्रंथ होते थे वो कभी लिखित में नहीं थे, ऐसे बुक्स नहीं हुआ करती थी,
जो गुरु बोलते थे शिष्य उनको एज इट ही याद कर लेते। लेकिन अभी महाराज जी ने जैसे पांच प्रकार के श्रोता और वो सब बताया, अभी पूछा जाए तो कितने लोग बता पाएंगे, हमारी इतनी मंद बुद्धि। इसलिए श्रील वेद व्यास जी ने जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए उनको ग्रंथ रूप में रचना करी। तो पहले सिर्फ एक वेद था, निगम कहते हैं वेद को, एक वेद था, तो व्यास जी ने उसको फिर चार वेद में विभाजित किया। फिर देखा ये वेद तो बड़े कठिन है क्योंकि उसमें मंत्र हैं। अभी संस्कृत कितने लोगों को आती है यहाँ पर, एक मंत्र कोई कठिन सा दे दिया जाए तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसको समझना तो दूर की बात है। इसलिए वेद व्यास ने क्या किया कि उन वेदों को और सरल रूप में करने के लिए उन मंत्रों को उपनिषद में कहानियों के माध्यम से समझाया, उपाख्यान के माध्यम से। जैसे अभी श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करेंगे गोकर्ण उपाख्यान, तो एक मंत्र की या श्लोक की व्याख्या उस उपाख्यान से कर दी तो लोगों को समझ में आ जाए। फिर व्यास जी ने और उसको सरल करने के लिए 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे, महाभारत की रचना करी। परंतु इतना सब करने के बाद भी वेद व्यास जी के हृदय में शांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शांति? इसी प्रश्न का उत्तर वेद व्यास भी ढूंढ रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं। तब वहां पर उनके गुरु श्री नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने उनको बताया कि देखो तुमने सब कुछ तो लिखा परंतु इसमें एक बड़ा भारी दोष रह गया, कमी रह गई कि कर्मी ज्ञानी योगी इन सब के लिए तो तुमने लिखा, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की जो महिमा है, भक्तों की जो महिमा है, उसका तो तुमने कहीं कीर्तन किया ही नहीं। किया बीच बीच में जैसे कुछ आ गया, कर्म की बात चल रही है उसके बीच में कुछ डाल दिया, ज्ञान की बात चल रही है उसके बीच में कुछ डाल दिया, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जब लिखने वाले को ही शांति नहीं मिल रही तो वो जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने वाले को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए शास्त्रों में बताया भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजन। अगर भक्ति को हटा दिया जाए, भगवान की भक्ति को, बाकी जितने भी हम लोग संसार में गुण देखते हैं, जाति बड़ा उच्च जाति का है, कुल बड़े उच्च कुल का है, बड़ा शास्त्र का ज्ञान है और बड़ा तपस्वी है, ये चारों गुण रावण में थे कि नहीं, आप सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण कुल ऋषि के वंश में जन्म लिया, जातियों के शास्त्र चारों वेद पता थे उसको, और तपस्या उसने इतनी भारी करी कि शिव जी को तपस्या से प्रसन्न करके बड़े बड़े वरदान ले लिए, चारों वरदान थे। लेकिन अगले लाइन में बताया अब प्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजन, ये सब बेकार है अगर भगवत भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवत भक्ति क्या है, प्राण के समान है। देखो कोई बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी, अब वो मर जाए, उसके शरीर में से प्राण आत्मा निकल गई, अब वो सुंदरता तो उसकी अभी खराब नहीं हुई, तुरंत अभी अभी प्राण गया सुंदरता तो है जी। अब कोई व्यक्ति आए उसको हीरो का हार पहनाए और बड़ी सुंदर रेशमी बनारसी साड़ी पहनाए, हीरों के सोने के कंगन पहनाए, तो बाकी देखने वाले लोग उसको क्या कहेंगे, पागल हो गया बेचारा। तो पागल क्यों हो गया, वही 10 मिनट पहले पहनाते तो कहते वाह कितनी सुंदर दिख रही है, और 10 मिनट बाद जब प्राण निकल गए तो कह रहे पागल हो गया, शरीर तो वही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मूल वस्तु थी प्राण, अगर वो प्राण निकल गए तो मंडनम लोक रंजनम, बाकी जो बचा तो जग हंसाई का कारण बनेगा, सारा संसार उस पर हंसेगा। इसी तरीके से ये जो जाति है, ये शास्त्र है, ये जप है, ये तप है, सब जग हंसाई के ही कारण है, वो जिसके पास होते हैं उसी का पतन करा देते हैं। कब? अगर भगवत भक्ति नहीं है तो। इसलिए नारद जी ने जब ये उपदेश दिया तब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसलिए इसको बताया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो सारे वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, वेद व्यास जी ने उन सब का पका हुआ फल, वेदों को क्या बताया पेड़ कल्प वृक्ष, उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। और कह रहे फल में भी बड़ी परेशानी होती है, आप लेकर के आओ फल,
उसको काटना पड़ता है, उसमें छिलका होता है, उसमें गुठली होती है। और फिर मान लो किसी फल में ये सब भी नहीं है तो चबाना तो पड़ता है। तो कह रहे हैं इसलिए ये जो फल है ये बड़ा विशेष है, इस फल में ये सब झंझट भी नहीं है। गलितम फलम, ये लिक्विड रूप में है। कौन सा जूस, जैसे आपको अनार का जूस दिया जाए फिर कोई बाधा नहीं है, ना छिलका है ना गुठली है ना कुछ नहीं करना, बस गले से लगाया गट 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 पी। तो श्रीमद् भागवत कैसा है, ये रस के समान। विभक्त भागवतम रसम आलयम, ये जो रस का पूरा सागर है, ये रस का आश्रय है, सारे रस श्रीमद् भागवत से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए हे भक्तजनों इस रस को तुम निरंतर पान करते रहो, ये बताया श्रीमद् भागवत की महिमा। लेकिन जगत में एक और भागवत है, वो भागवत की महिमा इससे भी अधिक है। सुना कभी आप लोगों ने क्या देवी भागवत? ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो हमने जो दूसरे भागवत की बात की वो कौन से भागवत है जिनकी महिमा इनसे भी ज्यादा है? देवी भागवत, चैतन्य चरितामृत, वो तो चरितामृत है चैतन्य महाप्रभु का। कहते हैं वो है भक्त भागवत, जिनकी महिमा ग्रंथ भागवत से भी अधिक है। क्योंकि जो ग्रंथ भागवत है ये तो आपके पास भी रखे हुए हैं, तो आपने भागवत सप्ताह क्यों कराया? क्या ये स्वयं प्रकट होकर के आपको अपनी महिमा बता सकते हैं? कभी नहीं बता सकते। भागवत तो 250 रुपए में मिलती है, सभी खरीद करके, इतना 250 रुपया सभी के पास होता है, सभी घर में खरीद करके रख लो। तो क्या उसको खरीद कर रखने से हमको उसकी महिमा पता चल सकती है? नहीं पता चल सकती। तो उनसे बहुत ज्यादा महिमा जो है वो है भक्त भागवत की। क्योंकि जो भक्त होते हैं उस श्रीमद् भागवत, जो ग्रंथ भागवत है, उसकी महिमा को इस जगत में प्रचार करते हैं। और दूसरा, जो ग्रंथ भागवत है वो हमारे पास चल करके नहीं आ सकते। हमारे कोई प्रश्न, हम पढ़ रहे हैं, हमको कोई प्रश्न फंस गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद बता नहीं सकते। लेकिन जो भक्त भागवत होते हैं वो क्या करते हैं, चल करके हमारे घर घर में जा करके उस भागवत की महिमा को कीर्तन करते हैं, हमारे कोई प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं। इसलिए भक्त भागवत की महिमा को भगवान ने स्वयं बताया कि जो भक्त हैं उनकी जो महिमा है वो ग्रंथ से भी अधिक है। यहाँ तक कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं मेरे भक्त। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम मुझे कितने प्रिय हो? मेरा आत्मयोनि, भगवान के नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते ये ब्रह्मा मेरे जन्म लिया मुझसे, मेरा पुत्र है, लेकिन वो मुझे इतना प्रिय नहीं है। न शंकरा, ये शिव जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। संकर्षण, मेरा अपना भाई संकर्षण, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न श्री, इनकी बात तो छोड़ो, मेरे वच स्थल में रहने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। अरे इनकी तो मैं क्या बात बोलूं। हे उद्धव सुनो, नैव आत्मा, यहां तक कि मुझे अपना आत्मा सबको प्रिय होता है, परंतु मुझे अपना आत्मा भी प्रिय नहीं है इतना यथा भवान, जितने कि तुम प्रिय हो। अब आप सोचो कि भक्त भागवत की महिमा कितनी अधिक है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बोला गया, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन महाबल। श्रीमद् भागवत के दर्शन करने से पवित्र हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो भक्त भागवत हैं उनके दर्शन से कितने पवित्र हो जाते हैं। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। जब भागीरथ ने बहुत ज्यादा तपस्या करी, गंगा जी को इस जगत में अवतीर्ण करने के लिए लेकर के आए, तो गंगा जी ने एक प्रश्न पूछा। गंगा जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, आप मुझे जगत में तो भेज रहे हैं, आपने कह दिया कि जाओ जगत के जो पाप हैं लोगों के उनको तुम ग्रहण करो, तुम्हारे में स्नान करने से जगत के लोग पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वो अपना पाप तो मेरे अंदर छोड़ करके चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो पापों से कलुषित हो जाऊंगी। तब भगवान ने कहा, नहीं सुनो, जब मेरे भक्त लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श मात्र से वो तुम्हारे पाप सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। यानी जो भक्त होते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
जो तीर्थ भी अपवित्र हो जाते हैं उन तीर्थों को भी फिर से पवित्र करने के लिए इस जगत में भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। भक्तों की इतनी महिमा है कि जो गंगा जी जिसको स्वयं शिव जी अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं उस गंगा जी को भी भक्त लोग पवित्र कर देते हैं। भक्त पद धूली और भक्त पद जग, भक्त भुक्त शेष तीन महाबल। जो लोग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भक्तों की तीन चीजें भक्ति में महाबल। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण देकर बता देता हूँ। सबसे पहले भक्तों का चरणामृत, आप सभी लोगों ने शायद रामानुजाचार्य जी का नाम सुना होगा, जो श्री संप्रदाय है उनके आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य, लक्ष्मण के अवतार हैं वो। जब वो छोटे थे तब उस वहां के जो राजा थे उन राजा की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा। भूतों में जो सबसे हेड होता है वो होता है ब्रह्म राक्षस, उसके ऊपर कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करते। तो जो लक्ष्मण थे उनका नाम लक्ष्मण था, उनके गुरुजी को बुलाया गया। वो गुरुजी बड़े वेद मंत्रों में ज्ञाता थे, तो गुरुजी लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए और वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर बड़े मंत्र मारने लगे। तो वो ब्रह्म राक्षस हंसने लगा, कहता है अरे मूर्ख तू क्या मंत्र मार रहा है, तुझसे ज्यादा मंत्र तो मुझे बताए। तो वो बेचारा बड़ा लज्जित हो गया, लेकिन उसने बताया कि देखो अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं इस राजा की बेटी को छोड़ दूं तो तुम्हारे साथ में ये जो बच्चा आया है लक्ष्मण तुम इसका चरणामृत मुझे दे दो, मैं मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं इस राजा की बेटी को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो उसी समय लक्ष्मण जो रामानुजाचार्य हैं उनके चरणामृत उसको बेटी को दिया गया और वो ब्रह्म राक्षस का उसी से उद्धार हो गया। तो जो ब्रह्म राक्षस बड़े बड़े वेद मंत्र भी जिसके ऊपर काम नहीं करते वो भक्तों के चरणामृत से सहज ही उसका उद्धार हो गया। भक्त पद धूली, भक्त पद जाल, भक्त भुक्त से। अब भगवान के भक्तों का जो उच्छिष्ट महाप्रसाद होता है उसकी महिमा क्या है। जब वो साथ में जो उनका गुरु भी था तो ब्रह्म राक्षस ने उसको बताया कि तू पहले पिछले जन्म में गिरगिट था लेकिन तूने एक भक्त का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लिया था, इस कारण से तुझे इस ब्राह्मण का जन्म मिला। तो भक्तों के उच्छिष्ट की इतनी महिमा है। रामानुजाचार्य के ही एक शिष्य थे और उनकी पत्नी थी, तो वो पत्नी और उनके जो पति थे बड़े गरीब थे। तो वो जो पत्नी थी वो पड़ोस में एक बनिया रहता था, उसकी कुदृष्टि उसके ऊपर थी। एक बार रामानुजाचार्य जी उनके घर में आए तो उनके पास तो कुछ खिलाने के लिए था ही नहीं, पति तो भिक्षा में गए हुए थे, पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि वो बनिए के पास गई और कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी लेकिन मेरे गुरु जी आए हैं, मुझे कुछ खाने का सामान दे दो। तो उन्होंने खाने का सामान दिया, उसने बना करके रसोई अपने गुरु जी को खिलाया रामानुजाचार्य जी को। जब पति लौट करके आया तो उसने पूछा तुमने गुरु जी को ये सब कहाँ से खिलाया, तो उसने पूरी बात बता दी। तो वो पति उसके चरणों में गिर पड़ा कि तुम्हारा जीवन धन्य है, मेरा जीवन तो गुरु जी की सेवा में कुछ काम नहीं आया लेकिन तुमने अपने शरीर को बेच कर भी गुरु जी की सेवा की। तो रामानुजाचार्य तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अंतर्यामी है। उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम जा रही हो बेटी, जरा उस व्यक्ति को मेरा प्रसाद दे देना। तो वो स्त्री वो रामानुजाचार्य जी का प्रसाद लेकर के जैसे ही उस बनिया को दिया तो उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और रामानुजाचार्य जी का शिष्य बन गया। ये है भगवान के भक्तों के उच्छिष्ट की महिमा। और तीसरा है भक्त पद धूली, जिसके लिए बताया श्री उद्धव जी, अभी आप महाराज जी बता रहे थे आसाम हो चरण रेणु जुसा महस्याम। उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियों की चरण धूली की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद भागवत में बताया गया वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिछन सत यासाम हरि कथोद गीतम पुनात भुवन त्रय, कि हम इन गोपियों की चरण धूली की वंदना करते हैं जिनकी चरण धूली से भुवन त्रयम ये तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। और स्वयं भगवान भक्त के चरणों की धूली की कामना करते हुए कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं जो शांत निर्वेचम निर्वैरम सम दर्शनम पूये ये थी अंग रेणु भी, वो अपने चरणों की धूली से इस भुवन को ही नहीं मुझे भी पवित्र कर देते हैं। अनुब्रजाम्यहम नित्यम, और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों,
क्योंकि वो जब चलेंगे उनकी चरण रेणु उड़ेगी और मेरे सिर के ऊपर पड़ जाएगी। तो भगवान के भक्तों की चरण धूली की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी कामना करते हैं। इसलिए दो प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत से भी कोटि कोटि गुना भक्त भागवत की महिमा। इसलिए भगवान ने बोला, अर्जुन को बताया, ये मे भक्त जना पार्थ, न मे भक्तास्ते जना, मद भक्ता नाम ये भक्ता, ते मे भक्त तमाम का। हे अर्जुन, जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता। जो लोग डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु फिर कैसे होगी? ये मद भक्ता, ये भक्ता जो कहते हैं कि मैं भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, मैं उनका दास हूँ, कहते हैं मैं उनको ही अपना भक्त मानता हूँ, बाकी किसी को भी अपना भक्त नहीं मानता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप लोगों ने अभी तक भागवत की महिमा सुने। इसका नाम भागवत, इसका तीन अर्थ होता है। कहते भागवत किसको कहते हैं? बोले भागवत प्रोक्तम इति भागवत। कहते भागवत ग्रंथ आया कहाँ से? कहते भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये चार श्लोक रूप में प्रदान किया था, इसलिए भगवान की मुखनिश्रित ये वाणी है। इसका एक भागवत है, इसका एक अर्थ भागवत। दूसरा कि जिसमें भगवान की कथा हो, अभी हम सुनेंगे ठाकुर जी की कथा सुने, इसका नाम भागवत है। बोले तीसरा जिसमें भक्तों का ही कथा हो उसको कहते भागवत है। इसलिए हम सुनेंगे भगवान को छोड़ करके भक्तों का भी कथा नहीं, अब भक्तों को छोड़ करके भगवान की भी कथा नहीं, इसलिए भागवत दो है, एक है ग्रंथ भागवत और एक है श्री भक्त भागवत है। अभी प्रश्न है, आज केवल हम भागवत की महिमा को सुनेंगे। अभी प्रश्न है, हम लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे, जैसे 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठे, कोई प्रश्न कर सकता है। अगर ये समय को अगर हम और कहीं देते फिर हमें कुछ फायदा होता है ना, लेकिन यहाँ पर फिर 3-3, 4-4 घंटा हम क्यों बैठे? हमें क्या लाभ मिलेगा कथा सुन करके? तब भागवत में श्री राधा रानी कहती हैं, ये कथा से तुम्हें जितना लाभ मिलेगा ना, और किसी को द्वारा उतना लाभ तुम्हें नहीं मिल सकता है। इसलिए विराह कहती हैं, दीन दीन बढ़त सबाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यदि कथा से क्या मिलेगा? राधा रानी भागवत का एक श्लोक कहती है, बोले तब कथा अमृतम ताप्त जीव मन लगा कर सबके साथ सुनना। कथा से कुछ ना कुछ घर में लेकर के जानी चाहिए, ऐसे नहीं
कथा यहीं पर सुना और घर में खाली हाथ से गए। यहाँ से जो कथा सुन करके जाओगे तब घर में भी अपना बच्चों को भी कथा सुना सकती हो, ठीक है ना। अभी आज सुनो, सुनाऊंगा कल मैं आपसे सुनूंगा। राधा रानी कहती इसका जो पहला लाभ है, कहती ये कथा नहीं बल्कि ये तब कथा, ये अमृतम। ये कथा को जो श्रवण करेगा उसको अमरत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर बैठो और कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हें ये अनुभूति नहीं हुई मैं भगवत गति को प्राप्त हो गई, भगवत प्राप्त हो गया, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ये भागवत का एक नाम अमर कथा। हम लोग कोई अमरनाथ कोई गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? 1, 2, 3, 4। इसलिए आप लोग जो अमरनाथ गए होंगे आप देखे होंगे ये कथा सबसे पहले शंकर जी माता पार्वती को ये अमरनाथ में सुनाया था, इसलिए ये कथा का नाम अमर कथा है। आप और हमारी बात ही छोड़ दो, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले पार्वती ये कथा सुन करके ही मुझे ये अमरत्व की प्राप्ति हुई। तब पार्वती कहती है प्रभु मुझे भी सुना दो। बोले चलो तेरे को अमरनाथ में ये कथा सुनाऊंगा। अरे शंकर जी जब पार्वती को ये अमर कथा सुना रहे थे उसी वृक्षों के ऊपर में एक तोता बैठ करके भी ये कथा सुन रहा था है? जब शंकर जी ने देखा कथा किसने सुनी? बोले तोता ने सुनी है शंकर जी, उसको पीछा किया मारने के लिए और उड़ते उड़ते जा करके श्री व्यास देव की पत्नी के गर्भ में ये प्रवेश करता है। जब प्रवेश करके वही पर ये श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आए और जगत में ये भागवत कथा प्रचार की। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा सुनकर मैं ही अमरत्व प्राप्त की। पार्वती कहती है प्रभु मेरे को भी सुना दो, आप तो अमर बन गए, मैं जन्म जन्मा तक मरती जा रही हूँ, इसलिए मेरे को भी कथा सुना। बोले चलो ये कथा को तुम्हें मैं अमरनाथ में सुनाऊंगा। इसलिए ये शंकर पार्वती स्वयं कहते हैं हम भी ये कथा सुन करके अमर बने। और आप और हमारी बात ही छोड़ दो है, अगर हम भी कथा सुनेंगे ना हम भी जगत में ये अमरत्व की प्राप्ति करेंगे। ये पहला फल है। दूसरा फल क्या है? बोले तप्त जीवन। ये संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई काम से, कोई देखना हम संसार में सबके सब दुखी दुखी है, सबके सब दुखी दुखी। लेकिन राधा रानी कहती जो तप्त जीवन, जो दुखमय जीवन है हम इससे कैसे निकल सकते हैं? बल केवल ये भागवत कथा से ही, ये सारे दुख से तुम्हें, ये भागवत कथा से ही तुम्हें सारे दुख खत्म हो। ये दूसरा लाभ है। क्या तीसरा लाभ क्या है? कहते कलमश अपह। कहते हम ये दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं? कहते ये हमारी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का पाप का कर्म का ये फल भोग कर रहे हैं। कहते ये प्रारब्ध ऐसे के चीज उसको कोई भी खंडन नहीं कर सकते, बड़े से बड़े ज्ञानी भी कहते ये प्रारब्ध को खंडन नहीं कर सकते, जो पूर्व जन्म में क्या भोगना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत कथा सुनोगे तो तुम्हारी सारी ये प्रारब्ध तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कहते इसका चौथा लाभ क्या? बोले श्रवण मंगल। ये कथा को जो श्रवण करेगा उसके जीवन में मंगल, मंगल ही उसका जीवन में होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगलाहरी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, कथा है देखो ये कथा को सुनो। अगर अनजान में भी यहाँ बैठ गई आपको पता नहीं कथा पता होती ही क्या, अगर आप अनजान में भी बैठ गए ना इसका क्या फल है? देखो कथा सुनते समय ना कोई सोना नहीं, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो एक समय श्री जब महाराज बड़े दुखी होकर बैठे हुए, उनके तीन बेटियां थी। बोले पिताजी क्या बात, आप दुखी होकर क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं, ये साधु लोग आकर के सबको कथा सुना सुना करके ना ज्ञानी बना रहे हैं, और जो कथा सुनता वो भजन करना शुरू करता, और भजन करते ही सीधा भगवत धाम। मैं दुखी दुखी हो गया, मेरा नरक खाली हो रहा है। बोले आपका हम तीन बेटी है ना, बताओ ना क्या करना पड़ेगा। बोले पहला बेटी का नाम झिमझिमानी। बोले कहीं भी कथा हो ना, जो कथा सुनते हैं तुम जाकर के पहले उनका सर पर बैठ जाना, बस अपनी अब जम्भाई आने लग जाएगी, आंखों की पलक झपने लग जाएगी, ये झिमझिमानी। दूसरी बेटी का नाम झुलझुलानी। बोले दूसरे नंबर में तू बैठ जाना, फिर जो झूमने लग जाएगी।
और तीसरे बेटी का नाम बोले सुलसुलार, जब तुम बैठ जाओगे ना हाथ पैर तो हाँ फेंक करके सो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये झुलझुलानी झिमझिमानी सुलझुलानी नहीं आनी चाहिए, फिर तो आप कथा ही नहीं सुन सकते हो, फिर कथा नहीं सुन सकते। इसलिए एकदम चंगे होकर बैठो बढ़िया से, हैं प्लस इसलिए हम बीच बीच में हम जय जयकार करते, क्यों जयकार देते, बोले माँ पार्वती भी कथा सुनते सुनते सो गए, व्यास देव का पत्री भी कथा सुनते सुनते सो गए, इसलिए आप इनसे थोड़ी सी दूर रहा करो, ठीक है। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की, देखो ये रामायण की कथा है, अब अनजान में भी आपको कथा पता कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है, लेकिन आप केवल अनजान में ये कथा में बैठ गए, देखो उसका कितना महिमा। श्री वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण ग्रंथ लिखने से पहले बोल रहे हैं, बोले ये मर्त्य जगत में एक राजा रानी थे जिनका नाम सुमति और सत्यवती थी, लेकिन राजा रानी होते हुए भी लेकिन उनका राम दरबार था, अपना हाथों से वो ठाकुर का सेवा पूजा करते थे, सारे सेवा करते थे, समय मिले तो दोनों बैठ करके रामायण सुनते थे, ज्यादा समय मिले तो माला लेकर के भगवान के नाम जप करते थे। एक बार हाथ उठा कर बोले, अब नींद भी चली जाए, बोला हरे कृष्णा जोर जोर कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर करके बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। दोनों बैठ करके प्रभु का माला जप करते थे। एक समय एक विभान नाम का ऋषि इसको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा, कहता अगर हमारे पास में पैसा हो मंदिर बना देना, सेवा नहीं करेंगे, एक नौकर को पैसा देकर रख लेंगे, लेकिन ये तो राजा रानी अपना हाथों से सारी सेवा कर रहे हैं। ऋषि ने पूछा आपकी मति ऐसे कैसे हो गए, बोले महाराज अपना भजन की बात जहाँ तक नहीं बोलनी चाहिए, अगर जैसे स्वप्न देखा भगवान की बढ़िया सबको मत कहा करो, इतने माला जप करते हुए इतने भजन नहीं पर खत्म हो जाती है, इसलिए अगर तुम्हारी भाव को जो समझेगा उससे बोलनी चाहिए, बल आप तो संत हो, संतों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मेरे को चार जन्म की बात याद है, मैं जाति स्वर हूँ, बोले बताओ क्या चार जन्म की बात याद है, बोले पहले जन्म में मेरा नाम था मालती, बहुत बदमाश था, मैंने ऐसे कोई गंदा काम नहीं, चोरी डाकू शराब पीना सारे काम किए, मेरे को घर वाले घर से निकाल दिए, और मेरी जो पत्नी इसका नाम काली, ये पहले चार जन्म से पहले अपना पति को ही उसने हत्या कर दी, इसके परिवार के लोग इसको भी संसार से निकाल दिए, अभी दोनों भटकते भटकते जंगल में मिले, देखा समय बीत नहीं रहा था, जानवर को मार करके मांस खा करके जीविका निर्वाह करते थे, जब हम दोनों वृद्ध हो गए हमसे और आहार संग्रह नहीं हो पा रहा है। एक दिन देखा पास में वशिष्ठ जी का आश्रम था, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हमने देखा कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठे बैठे हुए, हमने कहा ये क्या हो रहा है, फिर वहाँ पर गए सुना यहाँ पर 9 दिन तक राम कथा हुई, जो राम कथा सुनने आएंगे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, हमने देखा भैया बढ़िया अच्छा हो गया, 9 दिन तक खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं, केवल प्रसाद लोभ से हम वहाँ जाते थे और कथा समाप्त होते ही प्रसाद पाते थे। जब हम हमारे दोनों की मृत्यु हुई फिर हमको पकड़ करके जमदूत ले गए, बोले इसका कापी खोलो कितने पाप पुण्य, बोले ये दोनों ही तो बदमाशी है, सारे हर तरह का गंदा काम किया, बोले देखो ना कोई थोड़ी बहुत पुण्य भी तो होगा, बोले हाँ इनकी थोड़ी सी पुण्य है, वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रभु की कथा हो रही थी, वहां पर 9 दिन तक कथा सुनी और भगवान के प्रसाद पाए, केवल इतना ही पुण्य, वो कह रहा है हमें पता ही नहीं था ये प्रभु की कथा और प्रसाद की इतने महिमा, इसको सुनते ही जब महाराज हमारे सामने सारे पाप को काट दिया, बोले इसको रमा वैकुंठ में ले जाओ, हमने 100 साल तक राज ऐश्वर्य को भोग किया, उसको बाद में फिर ब्रह्मलोक में 100 साल तक सारे ऐश्वर्य को भोग किया, उसके बाद में स्वर्ग लोक में भी 100 साल तक भोग किया, अभी देखो ये देश का हम राजा बने। अगर अनजान में भगवान की कथा में बैठ करके प्रसाद पा करके अगर उसकी इतने महिमा हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय को नष्ट नहीं करते हैं, हम अपना हाथों से ठाकुर की सेवा कर रहे हैं,
हाथों से ठाकुर को श्रृंगार करते हैं, ठाकुर के लिए प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर को हम अभिषेक करवाते हैं और समय मिले तो कथा सुनते हैं और ज्यादा समय हो तो ठाकुर जी की माला भी जप करते हैं। इसलिए आप जो कथा सुन रहे हो यहाँ पर, आप सोच नहीं सकते आपको क्या पुण्य मिलेगा, इतने इसकी फायदा है आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए कथा श्रवण से कहते श्रवण मंगलम। और दूसरा जो छठवां लाभ है श्री, श्री मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ रहती है? ठाकुर का चरण में रहती है ना। श्री मतलब होता है शोभा, सौंदर्य, महिमा। जो कथा सुनेगा उसको घर में अर्थ की भी अर्थ भी बढ़ेगी, उसकी जस भी होगी, महिमा भी सारा दुनिया में जाएगा। और दा मतलब होता है ये संसार का बंधन भी खत्म होगा। और भूरी दा मतलब है जैसे ये कथा हो रही है, आप जो ये कथा को दान कर रहे हो, बोले जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अर्ण छत्र खोलना, लेकिन कहती है भागवत कथा को जो दान कर रहे हैं इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते कथा सुनने वालों को 8 लाभ, ये कौन कह रही है? श्री राधा रानी ये गोपी गीत में कहती है। इसलिए हम लोग का बड़े सौभाग्यवान जो कि 7 दिन तक यहाँ पर श्री मद भागवत कथा को श्रवण करोगे। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण। आप लोग कितना समय तक कथा सुनोगे? बोलो कितना समय तक कथा सुनोगे? बोलो हरे कृष्ण। अरे बोलो कितना समय तक कथा सुनोगे? हम प्रभु जी हम तो सारा दिन सुना सकता हूँ, हम इतनी कथा जानते हैं भागवत की जो सोच भी नहीं सकते हो। अब सारा दिन बैठ रहे ना, अब सारा दिन कथा ही सुनाते रहूंगा इतने कथा। लेकिन आप कितने समय तक बैठ करके सुन सकती हो? ठीक है, और आधा घंटा सुना देता हूँ, ठीक है? और आधा घंटा सुन लो, उसके बाद तो प्रसाद कल से पे नियम से पूरा 9 बजे से कथा सुनेंगे, ठीक है? कहती है भागवत की जो महिमा, कहती है 2 पुराण में इसकी महिमा आती है, एक है पद्म पुराण में और एक है स्कंद पुराण में, 2 पुराण में ये महिमा आती है। कहती जो भागवत की, फिर जब भागवत कृष्ण ही, भागवत कौन है? ये साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री भागवत है, फिर इसकी महिमा की क्या जरूरत है? ये तो स्वयं भगवान है, फिर इसकी महिमा फिर क्यों सुनाए? बोले देखो, बोले हम बद्ध जीवी है, अगर इसकी महिमा नहीं सुनाएंगे ना, हम सबसे पहले देखते हैं कोई बिजनेस करते हो सबसे पहले क्या देखते, कितना फायदा मिलेगा देखते हैं, कितने पैसा, जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा उसमें ज्यादा परिश्रम करते हैं। इसलिए हम बद्ध जीव है ना, इसलिए यहाँ पर पहले भैया अगर कथा सुनेंगे तो इसलिए फायदा की बात बता, अगर कथा सुनेंगे तो इतना तुम्हें लाभ मिलेगा, हैं इतना तुम्हें लाभ मिलेगी, इसलिए हमारे लिए ये भागवत की महिमा बताई यहाँ पर। कहते हम थोड़ी सी श्री पद्म पुराण की कथा सुनते हैं। बोले सचिदानंद रूपाय विश्व तपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते मंगलाचरण का श्लोक में कहते हैं, बोले भगवान के स्वरूप क्या है? बोले सत, चित और आनंद है, भगवान के 3 स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद होने का नाते हम सबके सब उनके बच्चे हैं, बच्चे हो इसलिए हम हर समय उसी चीज के लिए हम कोशिश करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान नव किशोर है। इसलिए आप देखना कि जगत में भी कोई मरना नहीं चाहते, कोई मरना चाहते जगत में? जगत में कोई बूढ़ा बनना चाहते हो? कोई बूढ़ा बनना चाहते हो? बोले क्यों बूढ़ा बनना नहीं चाहते? एक बाल पकना उसको हम उखाड़ देते हैं, च्यवनप्राश खाते, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, भले ही हमें 80 साल हो गए, अब शीशा में चेहरा को देखो, कभी सोचते हो हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए? कोई सोचते हो बूढ़ा बूढ़ी हो गए? बोले क्यों? कारण है हमारा जो प्रभु है ना, ये नव किशोर नटवर है, हर समय किशोर अवस्था में रहते हैं। इसलिए हम भी हर समय ये किशोर और किशोरी अवस्था में रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान सत है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम भी MA PhD डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक मूर्खों को भी बोल दो मूर्ख ना, उसको क्रोध आ जाता है, बोले मैं मूर्ख ना तू मूर्ख है, कोई मूर्ख मानना नहीं चाहते। बोले क्यों? भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान पूर्ण आनंद है, इसलिए जिंदगी भर हम उसी आनंद के लिए, सारा जीवन उसी आनंद के पीछे हम भटकते हैं, आनंद मिल जाए। बोले सचिता, लेकिन ये आएगा कैसे बता रहे हैं?
बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे, किसी की चरण में, बोले श्री कृष्णाय, यहाँ पर केवल कृष्ण नहीं बताया, क्या बताया, श्री कृष्णा, श्री मतलब उनको जो शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी को साथ में कृष्ण के चरण में प्रणाम करते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, जुगल सरकार की पूजा करनी चाहिए। इसलिए वृंदावन तो वांकी बिहारी की धाम है, देखना यहाँ पर किसको भी नहीं सुनोगे कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, जोर से बोला और जोर से। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी की नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले राधे राधे रट चले, इसलिए यहाँ पर सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। और राधा जी की बगैर कृष्ण आधा है, तभी वो पूर्ण है जब श्री किशोर जी को साथ में कृष्ण हो। इसलिए जब इनकी शरण में हम जाएंगे फिर क्या मिलेगा, सचित आनंद, फिर ताप त्रय विनाशाय। ये संसार में आने पर तीन तरह का दुख सबको मिलता है, एक है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख मतलब है जो मानसिक कष्ट है, और दूसरे है आदि दैवी, ये देवताओं के द्वारा कष्ट है, जैसे ज्यादा बारिश, जैसे बारिश हुई नहीं, ज्यादा धूप है, कहीं भूचाल आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, ये देवताओं के द्वारा। और एक है आदि भौतिक, मतलब एक जीव से दूसरा जीव को जो कष्ट होता है, मच्छर काटना, सांप काटना, हिंदू मुसलमान में लड़ाई, देश देश में आटों पर बना करके बैठे हुए, दूसरे देश में धमकी दे रहे हैं, कहते एक जीव का प्रति जो दुख है। लेकिन ये सारे दुख कब खत्म होगा, जब श्री ठाकुर जी की शरण में हम जाएंगे, तभी ये सारे दुख हमारी समाप्त हो सकती है। इसलिए अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को जब कथा सुनाए, ये कथा समाप्त होते ही गोलोक वृंदावन से एक सुंदर रथ आए, परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी रूप धारण करते हुए बैठे और सीधा भगवत गति प्राप्त किया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कथा में बैठे और सीधा भूर भुव मोह और सत्य लोक को पार करते हुए भगवान के पास में चले गए। ब्रह्मा जी सत्य लोक में के तराजू लेकर के, तराजू का एक तरफ में उन्होंने जितने जगत का सत्कर्म को रखा और तराजू के दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा को महिमा वर्णन किया। जिधर भागवत कथा की महिमा रखे वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, दूसरे तरफ में जितना पुण्य था सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा की जो महिमा है इसको सामने जगत का किसी महिमा को भी आप बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए ब्रह्मा जी महाभागवत है, उनका बेटे भी सब महाभागवत है, नारद जी चतुसर, बोले भैया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर ये भागवत कथा चलनी चाहिए। क्योंकि ये कथा को श्री नारद जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सुने थे, लेकिन ये नियम से जो कथा सुने 7 दिन तक, कभी ये चतुसन से सुने। सौनकाद ऋषियों ने बोले क्यों चतुसन से सुने, तो उसका कारण बताए, बोले एक दिन श्री नारद जी सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया लेकिन उनको मन को कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन वो इसी मर्त्य जगत में भ्रमण करते करते आए और उन्होंने सर्वत्र मर्त्य जगत में भ्रमण किया, देखा ये कलयुग आ चुका है और कली हर जगह में बैठा हुआ, कली किसी को नहीं छोड़ा, घर गृहस्थ को नहीं छोड़ा, साधु संतों को नहीं छोड़ा, तीर्थ स्थान को नहीं छोड़ा, जहां देखा कली 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 कली, जहां पर लड़ाई झगड़ा सब जगह। उन्होंने सोचा भैया ये वृंदावन धाम में चलते हैं, बोले क्यों, बोले वृंदावन धाम श्री राधा रानी के हृदय है, राधा जी की ये हृदय है, आप लोग जहाँ पर बैठे है ना, श्री नारद जी भ्रमण करते करते यहीं पर आए और ये यमुना नदी पास में बह रही है। जब यहीं पर आए उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, बोले क्या देखा, बोले एक सुंदरी युवती बैठी और उसको अगल बगल में कुछ सखियां हैं और दोनों तरफ में दो वृद्ध लेट हुए जिनकी एकदम वृद्ध हो गए, केस सफेद हो गई, चमड़े सब ढीली पड़ गई और वहां पर बैठ करके सबके सब उनको
चेतनता दिलाने के लिए तो कोशिश कर रहे लेकिन चेतनता नहीं हो पा रहा, सब के सब दुखी दुखी हो रहे थे। इतने में श्री नारद जी वहां आकर के जब देखा सब रोना धोना, मतलब संतों का रोना धोना में क्या मतलब, वहां से चलने लग गए। और वो जो एक सुंदरी एक युवती बैठी हुई थी, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बड़े भाग्य से कहीं सत्पुरुष का दर्शन मिलता है, आज तो कृपा करके आए और जा रहे हो कहाँ पर? बोले आप कौन हो? बोले आप मेरे को नहीं जानते हो? बोले नहीं, देखता लगता है कहीं तो आपको देखा है लेकिन याद नहीं आ रही। बोले बेटा मेरा नाम है श्री भक्ति देवी, और ये जो दो बेटे देख रहे हैं ना, इनका नाम एक ज्ञान है और एक का नाम एक वैराग है। जगत का नियम है माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्दशा को देखो, माँ तो अभी जवानी है और बेटे हमारी बूढ़े हैं। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब, बोले ये द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई है, कर्नाटक में मैंने बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं आदर मिला, लेकिन जब मैं गुजरात में गया एकदम बूढ़ी हो गई। बोले क्यों बूढ़ी हो गई? बोले उसी समय में गुजरात का लोग इतने नास्तिक थे, कहीं भी भगवत की पूजा नहीं, भगवत नाम नहीं, कहीं भी तुलसी के पेड़ नहीं, किसी की ललाट में तिलक नहीं देखोगे, किसकी गले में तुलसी की कट्टी नहीं, किसी घर में ठाकुर नहीं। अगर कोई कट्टी तिलकधारी कोई बाबा आ गए ना, बोले बाबा ये तिलक क्या लगाए, कोई बगुला कोई काटी कर दिया है, गले में ये कट्टी ये लकड़ी क्यों पहन लिए हो, अगर चोटी कोई रखे ना, बोले क्या तुम्हारी एरियाल है, हैं? इतने खिली उड़ाया करते थे। और जब तक वो गुजरात से निकाल नहीं दे उनको पीछा नहीं छोड़ते थे, मतलब इतने नास्तिक देश होता, इतने नास्तिक देश था। लेकिन अभी देखो सारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले लोग कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुजरात में। और सबसे ज्यादा पैसा वाले कहाँ पर है? दिल्ली में नहीं, गुजरात में। इसलिए देखना सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले गुजरात में मिलेगा, ये मोदी कहाँ के? इसलिए ज्यादा पैसा वाला ना गुजरात में मिलेंगे, और ज्यादा दान पुण्य करने वाले भी गुजरात में मिलेंगे। कहते ऐसे कैसे हो गया? वो इतना नास्तिक देश हो, उतना आस्तिक कैसे बन गया? बोले कारण ही वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म लिए, श्री तुकाराम भी उधर के, नरसी भक्त भी उधर के, श्री बल्लभाचार्य भी उधर के, श्री पिठलनाथ भी उधर के, वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म ग्रहण किए। हमारे चैतन्य भागवत में बताया, बोले ताहार प्रभाव कोटि योजन निस्तारे, मतलब है अगर कोई एक शुद्ध साधु कहीं जन्म हो जाए, एक साधु कहीं जन्म ले लिया भगवान के कोई सतमुच भक्त, कहते जो हाथ उठा करके नृत्य करता है ये स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जब वो अपना प्रेम नेत्र से वो दर्शन करता है, जितने दूर तक तो दृष्टि जाए सारे अमंगल दूर हो जाता है। जब वो कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, उनका चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी भी धन्य मानती है, भाग्य है संतों का चरण धूल। अभी बता रहे थे ना संत का चरण धूल की कितने महिमा, संत की प्रसाद की महिमा कितने हैं। इसलिए अगर जीव का कोई कल्याण करते हैं ना, कौन करते हैं? संत ही करते हैं, भक्त ही करते हैं। अगर एक साधु कहीं जन्म हो गया तो कहते उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। पूर्व जो लोग नाचने लगते हैं, जिस पिता माता की औरस से जन्म ग्रहण करे वो पिता माता के जीवन में धन्य हो जाता है, एक साधु अगर कहीं जन्म ग्रहण करे। इसलिए वहां पर साधु लोग जन्म हुए, इसलिए वो जो देश है ना पूरा मंगल मंगलमय हो गया, देश सारे देश कल्याण हो गया। और वहां के ज्यादा धनी वानी भी वहीं पर देखोगे, ज्यादा धार्मिक लोग भी आपको वहीं पर ज्यादा मिलेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये संतों की कहती है सत्पुरुषों की ये कृपा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। लेकिन कहती है मैं वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई जवानी बन गई। बोले क्यों जवानी बन गई? कहती है वृंदावन धाम श्री राधा जी के हृदय है। लेकिन ज्ञान जो वैराग्य ये बूढ़े बन गए। बोले बूढ़े क्यों हो गए? बोले कारण ही जो वृंदावन धाम ना ये रसभूमि है, ये वृंदावन धाम श्री ये रसभूमि है, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाले नहीं। यहाँ पर तो प्रभु का कीर्तन भक्ति है, भक्ति में सबके सब सराबर है। गोपियां कभी वैराग्य करती हैं, देखो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनी है। बोले क्यों?
कृष्ण हमें देख कर खुश हो, उनका सब कुछ कृष्ण के लिए, और कृष्ण को रोज रोज चकाचक प्रसाद बना करके भगवान को खिला, पर माई क्या हो गया भैया। इसलिए भगवान को बढ़िया बढ़िया, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई बैराग्य ज्ञान कोई पूछने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर एक स्थान जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी। मतलब उद्धव जी बड़े ज्ञान को लेकर के आए थे, लेकिन गोपियों तो उसको गुदड़ी टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने बहा दिया जमुना में, उसको जमुना में बहा दिया है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आ करके तो मेरे दोनों बेटे हो गए, क्या हो गए दोनों बेटे, बूढ़े हो गए, लेकिन मैं तो आ करके जवानी बन गई। बोले नारद जी मेरे बच्चों को जवानी दिला सकते, बोले कोई चिंता नहीं, तुम्हारे बच्चों को हम जवानी दिला देंगे। बोले अगर जवानी दिला दोगे ना, हम भी प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरे नारद जी उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके कथा सुनाए, लेकिन जब गीता सुनाए ना थोड़ी तो कोशिश की आग खोली, लेकिन जब गीता को बंद कर दिया फिर उन्होंने बेहोश हो गए। नारद जी बोले भैया गीता तो कृष्ण का मुख निषिद्ध वाणी है, इसमें भी ज्ञान नहीं हुई, सर्वत्र सबको प्रश्न की लेकिन कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। जब उन्होंने श्री बद्रिका आश्रम पर पहुंचे, चतुसन ने कहा क्यों नारद जी, जब व्यास देव ने सारे ग्रंथ लिखे उनको शांति नहीं मिला, तुमने तो बताया था ना ये भागवत ग्रंथ सुनाओ। बोले हाँ, बोले भागवत सुनाओ तब ये ज्ञान बैराग्य को चुस्ती आएगी। बोले मैंने तो सारे ग्रंथ सुना दी, भागवत क्या है, सारे शास्त्र का निचोड़ ही तो भागवत है, हाँ सर निचोड़ भागवत है, जब सारे ग्रंथ सुना दी फिर भागवत सुनाने पर कैसे होएगा। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया, जैसे अभी आपको पूरी बनानी है, आपने कहा पूरी बनानी, घी लाओ, किसने ला कर दूध 20 किलो रख लिया, बोले इसमें तो घी है, बोले इसमें तो घी है दूध में, इसमें पूरी बना दो, क्या दूध में पूरी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, जब उसका सार घी है। बोले भैया घी में जो काम होगा ना दूध में वो काम नहीं होगी। जैसे आपको आम खाने का इच्छा, कोई पेड़ का बोले पत्ते में भी तो वही रस है, टहनिया में तो वही रस, पत्ते को चिबाओ वो आम का स्वाद मिलेगी नहीं। इसलिए कहती है जो भागवत है, कहती है वेद का जो पका हुआ फल ये भागवत है, ये भागवत से जो लाभ है वो वस्तु से लाभ नहीं होगा। बोले चतुसन आप ही कथा सुना दो। बोले ठीक है। बोले कहाँ सुनाएंगे, बोले हरिद्वार में सुनाएंगे। बोले आनंद नाम का घाट है, बड़े सुंदर कलकल नाद से गंगा बह रही है, वहीं पर कथा सुनाओ। अभी ये प्रचार सब जगह में हो गई, देखो कथा सुनने के लिए कौन आए, आप लोग तो कोई बम्बे कोई मद्रास कोई कलकत्ता से आए हो। कहते सबसे पहले तो वैष्णव लोग कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि ये ग्रंथ वैष्णव का धर्म, ब्रह्म लोग सभी ऋषि मुनि लोग आए, स्वर्ग लोग सभी देवा देवी आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती सारे नदी मूर्तिमान रूप में वहां पर आए। और जब भागवत कथा करने जा रहे थे स्वर्ग का देवता लोग भी प्रसन्न होकर के दुर्दिन बजाए, नगड़ा बजाए, शंख बजाए और भागवत की जयकार दिए। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रताप की जय। जय में आनंद नहीं आया, देवता लोग इतने जोर से जय दे रहे हैं और तुम यहीं से जय दे रहे हो, मेरे पास में आवाज नहीं आ रही जोर से। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रताप की। इसका मतलब है अगर कहीं ये भागवत कथा हो ना, ये देवता लोग भी प्रसन्न होकर जय जयकार करते, वो भी खुश होते। और केवल आप ही कथा सुन रहे हैं ऐसे बात नहीं, कहते जहाँ कथा होती है ना सारे देवता लोग ऋषि मुनि गंगा जमुना अयोध्या मथुरा माया वो भी आकर के वहीं पर कथा सुन रहे हैं, वहीं पर कथा सुन रहे हैं। और जहाँ पर ये कथा होती है बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा। देखो एक अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो ना पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना, आप स्नान कर सकते हो पृथ्वी में, इतना तीर्थ आपको पता नहीं। मैं मरीशस कभी गया था, मरीशस गया था, वहां भी देखा गंदा है, करोड़ रुपया खर्चा करके सारे तीर्थ में नहा नहीं सकते हो इतना। लेकिन श्री सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं अगर ये कथा रूपी गंगा में जो स्नान कर लेते हैं ना, वो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में यही नहा लिया, बल्कि उससे भी ज्यादा फल है ये कथा रूपी गंगा में नहाने का। गंगा में नहाओगे केवल थोड़ी सी ऊपर का पाप ही जाएगा और कुछ नहीं। हरिद्वार गए हो, कौन कौन गए गंगा में नहाने,
अब देखना वहां पर लिखा हुआ रहता है सावधान, अंदर में ज्यादा पानी है, अंदर में ज्यादा मत जाओ। अगर ज्यादा अंदर में जाकर गोता लगाओ तो क्या होगा, बह जाओगे, मर जाओगे। लेकिन एक कथा रूपी गंगा में गोता लगाकर मर जाओगे ना, तर जाओगे, तर जाओगे। ये गंगा में कहते ना जितने गोता लगा सकते हो, किसमें गोता लगाओ, भगवत कथा रूपी गंगा में गोता लगाओगे तो तर जाओगे, और वो गंगा में ज्यादा डूबोगे ना मर जाओगे, लेकिन इसमें जिंदा जिंदा ही तर जाओगे। इसलिए गंगा में नहाने से थोड़ी सी केवल पाप जाता, और कुछ नहीं। फिर आकर फिर वही पाप करना शुरू कर दोगे। लेकिन कथार में गंगा में गोता लगाओ ना तर जाओगे, कितना लाभ। देखो यहाँ पर दो रसिया के, एक रसिया का भक्त बैठा हुआ है यहाँ पर, तो एक रसिया का भक्त बैठा हुआ है यहाँ पर। देखो कथार भी गंगा में नहाने का कितना महत्व है। आप लोग तो भारत के हो, अपने गंगा में नहा नहा कर अभी कोई परिवर्तन तुम्हारी अंदर में नहीं है, लेकिन इसको देखो गला में कंठी माला लेकर बैठा हुआ, तिलक लगाए, चोटी रखा है। लेकिन ये रसिया से रसिया के होकर के इसके जीवन में परिवर्तन कैसे आई है, क्योंकि ये संतों की संगत किया है, संतों से उन्होंने कथा सुनी है, वो कथा रूपी गंगा में स्नान किया, तो वो रसिया का होते हुए भी जीवन में तर गया है। लेकिन ये दुनिया की गंगा में नहा नहा कर हमारा कोई अभी नहीं, कुछ गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, माला नहीं। इसलिए ये गंगा तुम्हारी जितने लाभ करी ना, ये कथा रूपी गंगा में नहाओगे तो तर जाओगे। हाँ, अब देखना अभी 7 दिन कथा सुनोगे ना, देखना सबको गला में कंठी आ जाएगी, सब तिलक लगाना शुरू कर दोगे, सबके सब माला जपना शुरू कर देंगे, सबके सब माला जपना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कथा रूपी गंगा में स्नान करते समझो बस कल्याण हो गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक श्लोक, आधी श्लोक, आधी से अगर आधा श्लोक अगर किसी घर में भागवत की श्लोक उच्चारण हो, उसी घर में साक्षात उज्ज्वल सरकार की ठाकुर का निवास हो जाता है। जिसकी घर में केवल ये भागवत ग्रंथ ही विद्यमान हो, भागवत रूप में समझ भगवान की निवास हो वहीं पर। जब उन्हें कथा करने जा रहे थे, भक्ति देवी अपना पुत्र को लेकर के आ गए, बोले बताओ हमारी कहाँ निवास है, बोले यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इनके हृदय में आप निवास करो। भक्ति देवी सबके हृदय में बैठ गई। भक्ति देवी कौन है, श्री राधा रानी। तात्पर्य जो कथा सुनते हैं ना, सभी के हृदय में श्री राधा रानी की निवास होती है। अगर राधा जी की निवास हो गए तो आनंद आनंद है, हैं? सब के सब कथा में डूब गए। जब कथा की विश्राम हुई, गोलोक वृंदावन से स्वयं जुगल सरकार सखा सखियों को साथ में उतर करके आ गए। श्री उद्धव जी, नारद जी, श्री अर्जुन, वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। सबके सब सुंदर कीर्तन कर रहे थे, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई ढोलकी बजा रहा था, कोई नृत्य। सुखदेव गोस्वामी तो हर कीर्तन, जैसे जैसे कीर्तन हो रही थी उसी कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी नाच रहे थे और सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय कीर्तन कर रहे थे। और जितने वहां कथा सुनने के लिए बैठे थे सभी के लिए वैकुंठ गोलोक वृंदावन से रथ आया और सबके सब बैठ करके भगवत धाम को चले गए। यहाँ तक भी जो पशु पक्षी थे उनको भी सदगति हो गई। अभी इसको देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। वो प्रश्न करते हैं अगर कोई प्रेत जनि में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से मुक्ति नहीं मिल रही है, क्या कथा सुन करके उनके भी कल्याण होगी। बोले भैया जब कथा सुन करके जीव भगवत गति को प्राप्त हो गई, आप कह रहे हो
प्रेत योनि में मुक्ति नहीं मिलेगी। तब उन्होंने श्री गोकर्ण धुंधिकारी की उन्हें कथा सुनाई। बोले श्री तुंग भद्रा नदी को किनारा में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम आत्मदेव था, लेकिन पत्नी का नाम तो धुंधली। देखो ये जगत में कभी कभी ऐसा होता है, पति तो बड़े भक्ति करने वाला कभी कभी होता है, लेकिन पत्नी बड़ी कभी कभी नास्तिक होती है, उसको भजन भजने से कोई मतलब नहीं। पति अगर सत्संग में जाने के लिए गई, पत्नी की कोई रुचि नहीं। कभी कभी पत्नी होती है आत्मवती, लेकिन कभी कभी पति होता है धुंधुकारी, हैं? उसको भी कभी कभी प्रभु का भक्ति में रुचि नहीं होता। लेकिन ये बड़े भाग्य से मिलते हैं जो पति पत्नी दोनों ही भजन करने वाले, ये तो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। अगर दोनों अगर प्रभु की भक्ति करे ना, कहते घर में अगर गीता हो, पत्नी जैसे सीता हो, बेटा अगर राम हो ना, वो घर नहीं है, भगवान का धाम है, भगवान की धाम है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस घर में परिवार के व्यक्ति प्रभु की भजन करते हैं, कहते वो घर नहीं, वो भगवान की धाम है, भगवान की वो धाम है। बड़े भाग्य से कहीं पति पत्नी बच्चे भगवान की भक्ति करने वाले मिलते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले मिलते। अभी इसका घर में सारे सुख है, एक व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है, कहते किसी अच्छे घर में जन्म हो, ब्राह्मण घर में जन्म हो, उसके बाद में क्या चाहता है, सुंदर शरीर हो, बोले द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे तेज। उसके बाद में क्या चाहते हैं, घर में पैसा हो, बोले पता भी नहीं लगा सकते इतने पैसा। उसके बाद में एजुकेशन बहुत बढ़िया हो, बोले सारे शास्त्र में निपुण। उसके बाद में चाहते हैं किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए, पत्नी भी बड़ी सुंदर है। लेकिन ये घर में सारे सुख तो है, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, घर में शांति सुख नहीं, घर में कोई बाल बच्चे नहीं, संतान नहीं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये दुनिया भगवान ने बनाया। किसने बनाया दुनिया को? कृष्ण ने बनाया। कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में, ये संसार किया है, बोले दुखालयम अशाश्वतम, कहते ये संसार दुख का घर है। और अशाश्वतम मतलब होता है संसार में सब चीज नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाले। जिसने बनाया वो खुद कह रहे हैं ये संसार दुख का घर है, इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत होता। शिक्षा देते ही अगर तुम्हारे घर में सारी चीज हो, सारे चीज घर में हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो ना, फिर वो घर में शांति सुख कभी नहीं आ सकती। तुम कितने पैसा कमा लोगे संसार में, रावण जैसे कमा सकते हो? आपके पास में कितना सोना होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। रावण पूरा लंका पूरी सोनाई, उसका बेड रूप भी सोना, किचन रूप भी सोना, टाइटलिंग भी सोना, उसको सब सोना सोना ही सोना। तुम्हारी कितनी सुंदरी बीवी हो सकती है। रावण का पत्नी का नाम आपको पता है क्या नाम बताओ तो? आपको पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है? आप बता सकते हो मंदोदरी मतलब क्या? वो विश्वकर्मा का बेटी थी, हैं? मंद मतलब होता है पत्नी, उदरी मतलब जिसका कमर बहुत ही पतली, मतलब है इसी जगत में एक नारी के अंदर में जो गुण होनी चाहिए एक सुंदरता के लिए, वो उसकी विश्वकर्मा की बेटी सारे सद्गुण दे करके उसको उन्होंने बनाया कि उसकी जैसे सुंदर नहीं थी, हैं? इसलिए उन्होंने मंदोदरी। बोले बेटा कैसे है? मेघनाथ, इंद्र जी, इंद्र को जो जीतने वाले कितने नाती पोती सारा दुनिया, लेकिन तब भी संसार में सुख नहीं। बोले क्यों? बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया भगवान से विमुख होकर तुम्हारे घर में जितने चीज हो जाए, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण को सुख नहीं मिला, हैं? हमें कितना संसार के इकट्ठे कर लेंगे। इसलिए इसको घर में सब कुछ चीज है, लेकिन सुखी नहीं, बेटा नहीं। और दूसरी चीज सिखा देते हैं, पैसा तो था लेकिन एक भी पैसा कहीं सत्संग में, कोई प्रभु की सेवा में नहीं लगाया करता था, केवल एक कठे करते जा रहा था। लेकिन पैसा की अधिष्ठात्री देवता कौन है? लक्ष्मी। पैसा का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? ठाकुर जी की, हमारी नहीं लक्ष्मी, ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी ठाकुर जी को। जब वो लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा में लगेगी तभी घर में सुख देगी, नहीं तो ठाकुर को सेवा के बगैर ये सुख नहीं देती। अभी संतान ही बड़ा दुखी है, घर में गैया आए तो बांझ हो जाए, पेड़ लगाए तो फल नहीं हो, पूर्वजों को दे तो वो ग्रहण नहीं करते हैं,
एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसी जीव को पर कृपा करते दो रूप में आते हैं, संत नहीं तो साधु। मानो ठाकुर जी संत रूप लेकर के आए। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले घर में संतान नहीं। बोले तुमने चित्रगुप्त महाराज का नाम सुनी? बोले हाँ। बोले पता है तुमको कितने बीवी थी? बोले जिनकी 1 करोड़ पत्नी थी। बेटा नहीं था, एक बाद में एक, एक बाद में एक। फिर एक बेटा हुआ ना, जिस रानी की हुई, राजा उसको ही ज्यादा प्रेम करने लगे, और जितने रानियां थी जहर देकर खत्म कर दी। राजा इतने दुखी हुआ। बाद में प्रभु की भजन में शांति मिली। बोले सगर महाराज का नाम सुने हो? बोले हाँ। बोले बताओ तो कितने बेटे थे? बोले 10,000। बोले उनको भी शांति मिली? उनको भी नहीं मिली। बेटा संतान से सुखी नहीं, सुखी होते प्रभु का भक्ति से। भगवान बच्चा नहीं दिया, दुखी मत हो। भगवान को जो गोपाल घर में गोपाल जी को रख लो, गोपाल जी को सेवा पूजा अपना बेटा मानकर गोपाल जी को रखो। देखो ये वृंदावन की कथा है। कोई एक माता जी सारा जीवन उसने गोपाल जी की सेवा की, सारा जीवन। उसकी कोई बेटा संतान नहीं था, सारा जीवन गोपाल की सेवा की। जब वो वृद्धा हो गई, अभी उसकी सेवा कौन करेगी? ये ठाकुर जी सेवा करते थे। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति सारा जीवन ठाकुर का सेवा पूजा करता है, जब वृद्ध हो जाएगा उनको कौन करेगा? ठाकुर को करना पड़ता। क्यों? सारा जीवन उसने मेरी सेवा। गोपाल जी ठाकुर स्वयं करते थे, उन्हें समझाया कोई दुखी होने का कोई बात नहीं। भगवान की सेवा करने लग जाओगे ना, ठाकुर तुम्हारी सेवा करेंगे। बोले नहीं, हमें संतान चाहिए, हमें संतान चाहिए। बोले तो मैं तो देख रहा हूँ तेरे ललाट में लिखा हुआ 7 जन्म तक भी बच्चा नहीं। बोले 7 जन्म तक नहीं, फिर तो चरण पकड़ लिए। जब आप ये बता सकते हो 7 जन्म तक नहीं, आप संतान दे भी सकते हो। अगर नहीं दोगे तो आत्महत्या करूंगा। बोले ये ऐसे सुनने वाले नहीं है। पर उन्होंने एक फल लेकर के मंत्र पुत्र करके बोल लेकर के पत्नी को खिलाना। बोला गर्भ में जो बच्चे आए ना, गीता रामायण और भागवत पढ़ते रहे, देखना वो बच्चा बड़ा संस्कारी बन करके आएगा। हाँ, वो बच्चा संस्कारी बन करके आएगा। अगर गर्भ में बच्चा रहते हुए अगर माताएं डिस्को डांस उल्टा पुल्टा फिल्म देखना, वो बच्चा फिर दुष्ट बनकर आता है। अब देखना कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं बड़े सरल सीधा होते हैं, पिता माता की आदेश पालन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देखना इतने उद्दंड होते हैं, बात ही नहीं सुनते। बोले क्यों? बोले गर्भ का संस्कार हमने सही नहीं दिया है। हैं, गर्भ के संस्कार उसको हमने सही उन्होंने हमने नहीं दिया है। अब रामायण देखे हो, जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने सारे संत समागम बुलाए और सीता के लिए भी एक कुर्सी दी। राम ने कहा, सीते तुमको पता है आज ये सब साधुओं को क्यों हमने बुलाया? बोले क्यों? बोले अभी तो गर्भवती, अगर तुम संतों को मुंह से प्रभु की कथा सुनोगे ना, वो बच्चे अच्छी संस्कार बन करके आएंगे। इसलिए आप लोग लवकुश देखे होंगे, कितने ज्ञानी बने लवकुश और कितने बड़े योद्धा बने हैं। इसलिए बोले देखो, गर्भ में संतान रहते समय हैं गीता भागवत रामायण पढ़ो, वो बच्चा बड़ा संस्कारी बन करके आएगा, अच्छी संस्कार पड़ेगा। लेकिन तो धुंधली है, धुंधली मतलब अज्ञान अंधकार है। वो कहां संतों का फल को वो ग्रहण करती, उनकी पत्नी आत्मदेवत बड़े खुश होकर फल उसको दिया, लेकिन उसको सही ले आई तो बोले पुरुष लोगों को क्या पता, बच्चे गर्भ में आए तो 9 महीना तक अच्छी अच्छी खा नहीं पाऊंगी, चोर डाकू आए तो भाग नहीं पाऊंगी, प्रसव पीड़ा, फिर लालन पालन में कष्ट है, जगत में कोई सुखी है ना, बांझ नहीं तो विधवा। बोले चिंता क्यों करते हो? मेरे पति के पास में पैसा नहीं, कुछ पैसा देते मेरे पति को और ये फल को गैया को खिला दे और पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ का बहाना बना कर सोते रहो, जब बच्चा होगा ना फिर मेरे को दे जाना। उसने ठीक है इसे कर दिया। और पंडित तो बड़ा प्रसन्न है, घर में लाला भयो लाला भयो, लेकिन लाला तो उसकी है ही नहीं, लेकिन स्तन में दूध नहीं है। बोले मेरी सहेली के घर में एक बच्चा हुआ, उसका बुला कर ले आओ। बोले कोई बात नहीं, वही आकर के पालन कर रही है, लेकिन संतों का दिया हुआ फल उसने गैया को खिला दी, गैया गर्भधारण की, बड़ा सुंदर बच्चा जन्म दिया। सरा शरीर तो राजपुत्र जैसे, कान केवल गैया जैसे, गैया जैसे बड़ा सुंदर। क्योंकि संतों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है आशीर्वाद है, और संतों का फल को अगर हम ठोकर आएंगे फिर तो धुंधकारी जन्म होता है, दुष्ट जन्म होता है। इसलिए अभी सारा दुनिया देखने के लिए आए। बोले ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं ना ठाकुर जी
कैसे देते हैं? छपर फाड़ करके देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, कैसे छपर फाड़ कर देते हैं। बोले कोई एक संत था, वो शौच क्रिया में गया था। शौच क्रिया के बाद में ऐसा मिट्टी से हाथ को साफ करते हैं, जब उसने मिट्टी वहां से उठाया, देखा एक वहां पर एक ढक्कन है, और ढक्कन को खोला तो देखा एक सुंदर कलसी जिसमें हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। बोले राम राम, सबेरे सबेरे माया की दर्शन हो गए। उसने आकर के अपना पत्नी को बोला, लेकिन उसको घर को पीछे मुझे चोर चोरी करने के लिए आए थे सुन लिए। बोले बड़ा बेवकूफ है, हाँ हीरे जवाहरात को छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हमने सुन लिया, चलो हम उठा करके ले आते हैं। लेकिन जब उठाने के लिए गई ना, उसको ढक्कन खोले तो देखा उसमें जहरीले सर्प है, बिच्छू और ततैया। बोले अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये हमें मरवाने के लिए बताया। बोले चलो इसको लेकर इसको घर में ही फेंक करके आते हैं। पूरा कलसी को कलसी लाए और छत ऊपर चढ़े और करत से वो छत को फाड़े, फाड़ करके जो ऊपर से फेंका उसमें क्या था? हीरे जवाहरात था। वो संत है ना, इसलिए उसको हीरे जवाहरात दिख रहा था, और ये दुष्ट थे उनको सर्प जहरीले सर्प दिख रहा था। जब उन्होंने फेंके पूरा कलसी टूट गया, पूरा घर घर में हीरे जवाहरात बिखर रह गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं, देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं। बोले कोई चिंता नहीं, जब घर में आ ही गया खूब ठाकुर को भोग लगाओ और सब भक्तों को सेवा करो, रोज रोज भंडारा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। इसलिए सब लोग देखने के लिए आए। अभी दोनों बच्चे बड़े हुए, इनके नाम करना संस्कार हुई। देखो एक संस्कार नाम कर, ये चीज को अब लोग सीख करके जाना। ऐसे नहीं मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की रख लो, नहीं ऐसे नहीं रखनी चाहिए। अब आपको पता होगा जब शादी होती है बच्चों का जन्म पत्र मिलाते हैं कि नहीं? बोले क्यों मिलाते हैं जन्म पत्र? ये जीवन में सुखी रहे। जन्म पत्र तभी मिलेगी अगर आप उसकी जन्म नक्षत्र को देख कर अगर नाम रखोगे ना, फिर तो उसकी जन्म पत्र मिलेगी। नहीं जन्म पत्र नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वैसे शादी करो ना, फिर डाइवोर्स होगी। आपको पता होगा भारत में अभी 50% डाइवोर्स हो रही है, लेकिन पहले बड़े बूढ़ों को पूछो कभी डाइवोर्स नाम सुने? कभी पहले कोई सुने ही नहीं। क्यों? कारण है, कारण है हमने ये ब्राह्मण गीता भागवत जो शास्त्र है ना, अभी उसको पढ़ना हमने छोड़ दिया। शास्त्र संस्कार को हमने छोड़ दिया। जितने अंग्रेजियों का खान पान रहन सहन चाल चलन का भी हम अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए उनकी हवा आकर कभी हमारे ऊपर लग रही है। नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर चलनी चाहिए, तब तो हम घर में सुखी और शांति रहेंगे। इसलिए नाम करना संस्कार में नियम है, जन्म पत्र देख करके एक अक्षर निकालो, वो अक्षर को पहले रख करके भगवान नहीं तो किसी भक्तों का नाम रखो हैं। जैसे हम आगे सुनेंगे अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन केवल बेटा का नाम नारायण लेते 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 लास्ट में कैसे नारायण मुंह से निकल गया, भगवत धाम उन्नति होगी। इसलिए पहले सब बड़े बूढ़ों को पूछो सब भगवान का नाम, सब माताओं को पूछो गीता सीता लक्ष्मी सब, अभी बच्चों को पूछो टिक्की टुल्लू बोलू, विदेश में जितने कुत्तों का नाम ना सब सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम दरवाजे, नहीं ऐसे नहीं रखनी चाहिए। अभी उनकी जन्म संस्कार में अभी धुंधुकार में जोर जबरदस्त उसका नाम, मतलब मेरी नाम है धुंधुली और बेटा का नाम होगा धुंधुकारी, लेकिन एक दूसरा का नाम हो गया गोकर्ण। लेकिन गैया का काम जैसे था गोकर्ण पंडित तक ज्ञानी, वो संत का फल है, इतना विद्वान इतने बुद्धिमान, सबको सम्मान देना, पिता माता की चरण छूना, सबको सम्मान, लेकिन ये महाखल दुष्ट। क्यों? संतों का फल को ठुकराया उसने, महाखल बना, किसी बच्चे को कुएं के पास में देकर धक्का मार दे, किसी घर में आग लगा दे, चोरी करे, शाम होते 10 बजे सिखाए तेरा बेटा ऐसे किया, तेरा बेटा ऐसे किया, तेरा बेटा ऐसे किया। बोले हे भगवान ये साधु सही बता रहा था, ये संतान से सुखी नहीं सुखी प्रभु का भजन से करेगी, ये कोई शत्रु लगता है पूर्व जन्म का था, ये मेरे शत्रु ही मेरा बेटा बन करके यहाँ पर आ गया। अभी धीरे 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 पिता बड़े दुखी हो गए, अपना बेटे को पास में गए, बोले बेटा बताओ कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण बड़ी सुंदर ज्ञान की बात बताए, बोले पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का राजा भी सुखी नहीं, पिताजी सुखी एक व्यक्ति है जो प्रभु की केवल भजन करते हैं,
इसलिए पिताजी प्रभु का भजन करो, भक्ति से ही आपका कल्याण होगा। भागवत कथा सुना, भागवत पढ़ो, संतों की चरण में रहते हुए भजन करो, इससे ही सुख मिलेगा। तो उन्हें संत की शरण में गए, घर में मैया रह गई। एक दिन मैया को खूब पीटे, बताओ पिता कहाँ पर पैसा रख कर गए, बताओ बताओ, खूब मारे। पिता मैया दुखी होकर कुएं में आत्महत्या की। उसने घर में छह छह वेश्याओं को बुला करके ले आया, कोई बोले कपड़ा दो, कोई बोले गहना दो, कोई बोले अलंकार दो। राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा को लूट करके लाया। अभी वेश्या और ने देखे सबरे होते सियाड़ी लग जाएगी, अगर पकड़े गए थे सबके सब जेल। बोले राता रात इसको मार डालो, बड़ी बुरी तरह से उसको मार दिए, उसको गला में फांस लगा करके अंगार डाल करके घर में गाड़ दिए। अभी बन गया प्रेतात्मा। जब गोकर्ण आया बोले तेरे नाम पर मेरे गैया में पिंड दिया, अभी तू प्रेत बन करके बैठा हुआ। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, 100 बार पिंड से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे, बोले केवल ये भागवत कथा से मुक्ति होगी। फिर 7 गांठ का बांस गाड़ दिए, उसमें स्थापन कर दिए। पहला दिन पहला गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरे, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। बड़ी सुंदर भगवान की भक्त बन करके निकले। वैकुंठ से सुंदर रथ आया, जब रथ में बैठ करके जा रहा था, गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले यहाँ पर तो इतने सारे कथा सुनने वाले बैठे हुए, आप एक रथ क्यों लाए, ये सबके लिए रथ क्यों ले लाए, सबके लिए एक अलग अलग रथ लाया चलाना चाहिए था, आप एक ही रथ क्यों लाए। बोले देखो यहाँ तो देखने के लिए सबके सब बैठे हुए, लेकिन कोई सही सही सुन नहीं रहे। बोले कैसे बता रहे हो, सुन नहीं रहते, यहाँ सबके सब बैठे हुए। बोले बैठने पर थोड़ी हो जाएगा, बैठने पर भी नहीं होगा, देखो वो क्या कहते हैं। बोले विश्वास गुरु गात केसो स्वस्मीन दिनत्व भावन। कथा कब फल देगा, पहला नंबर विश्वास, ये सबसे पहला है। अगर कोई बोले अरे भूत विश्वास किसी ने देखा, इन लोगों ने ऐसे मन गणत बना दिया, फिर कथा में बैठने पर आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये कथा में विश्वास नहीं। लेकिन साधारण हीरो हीरोइन का बात में हमारा बड़ा विश्वास होता है, हैं? कोई हीरो अगर ऐसे बाल रख दे ना घोड़ा जैसे, सब जैसे घोड़ा जैसे बाल रखना शुरू कर देते हैं। कोई हीरोइन अगर कोई गंदा कोई ड्रेस पहन लिया, पूरा हाथ खोला उसको ही पहन लेंगे, हैं? वो चीज को फिर हमारा बड़ा विश्वास है। लेकिन ये हमारी जो गीता भागवत जो भगवान की मुखनिश्रित जो वाणी है, इसी में हमारे विश्वास नहीं। इसलिए पहला नंबर बताया, देखो पहला नंबर है भागवत कथा में तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए, पूर्ण रूप में इसमें विश्वास होनी चाहिए, क्यों ये साक्षात भगवत मुखनिश्रित ये वाणी, ये श्रीमद भागवत है। उसको बाद में बोले स्वस्मिन दिनत्व भावन, दीनहीन भाव से कथा सुननी चाहिए, अभिमान से नहीं। जैसे श्री हनुमान की कथा सुनते हैं आप, देखना कहीं भी राम की कथा होगी ना, श्री हनुमान जी का फटो पहले हनुमान जी की कथा सुनते हैं, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए, उनका रोमांच गदगद होता हुआ होगा, बड़े प्रेम से हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जैसे एक अनिष्ट होकर के एक मन से कथा सुननी चाहिए। इसलिए और एक मन से, ये मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर मन अगर और कहीं हो फिर यहाँ पर बैठे होकर कथा के बाद में आप सुन नहीं पाओगे, बोले हमने सुनी नहीं। बोले अगर ये सब चीज देकर कोई कथा सुनेगा तो फिर तो ये कथा उनको पूर्ण फल प्रदान करता है, पूर्ण फल उसको प्रदान करेगा। जब उन्होंने ये सब बात को बताया ना, गोकर्ण ने कहा तुम लोग सुन लिया, हमने 7 दिन तक कथा सुने लेकिन रह भी नहीं आया, देखो कल से फिर 2 बार कथा सुनाऊंगा, और सबके सब कथा से पहले आना और एक मन से कथा सुनना ठीक से, क्योंकि जब 7 दिन के बाद में हम जो कथा सुनेंगे ना, हमें भी जन्म मृत्यु का दुख कष्ट से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर दूसरे दिन से फिर उन्होंने कथा की, और जितने वहां पर श्रोता थे एकदम टाइम पर आए, एक मन से कथा सुने। जब कथा समाप्त हो गई, जितने लोग बैठे थे सभी के लिए रथ है, और सबके सब रथ में बैठ करके सबके सब भगवत गति को प्राप्त, सबके सब भगवत गति को उन्होंने प्राप्त किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, और
एक मिनट सुन लो, कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते भक्ति करने के लिए पांच चीज की जरूरत है। कितने चीज की? सबसे पहला किया बोले लय। बोले लय मतलब क्या? बोले लय मतलब होता है सो जाना। लय मतलब होता है सो जाना। अभी मैंने बताया ना, आप देखना इधर उधर कोई बात हो ना, हमें नींद एकदम नहीं आई, उसके बेटी ने ऐसे की, उसने बहू ने ऐसे की, इतना बड़ा हमने भूत देखा, एकदम जोश आ जाएगा, अरे हम भी इतना बड़ा भूत देखा था, तुमने सांप देखा, अरे हम भी इतना बड़ा सांप देखना, सबके अंदर में जोश आ जाएगा है। लेकिन जब भगवत चर्चा हो ना, ये नींद आती है, ये नींद आती है। बोले क्यों? बताए ना, जम का तीन बेटी है, झुलझुलानी सुलसुलानी है, ये आकर के सर, ये सबके सब सर में आकर बैठते हैं। क्यों? वो चाहते हैं ये कथा नहीं सुन पाए। क्यों? आप कथा सुनोगे तो जरूर ज्ञानी बनोगे, जरूर ज्ञान बनेगा तो अब 100% आप भक्त बनोगे, भगवान के भजन में आपका मन लग जाएगी। देखना आप 7 दिन में देखना, आप जिस रूप लेकर के आए ना, अब वो रूप नहीं रहेगी, वो रूप आपकी नहीं रहेगी। अगर वो अंग्रेजी लोग होकर के गला में कंठी माला तिलक पहनते हैं, है? वो पहनते हैं, फिर हम लोग भारत, हम लोग तो भारत गए, हम लोग सब भारत गए, वैसे संस्कारी है भारत के लोग, ज्यादा संस्कारी भारत के लोग होते हैं। इसलिए 7 दिन में देखना अब ये रूप नहीं रहेंगे, आप दूसरे रूप में हो जाओगे, भक्त स्वरूप धारण करोगे। इसलिए पहला नंबर है लय। हाँ, दूसरा नंबर ध्यान देकर सुनो, भिखे। भिखे का मतलब होता है, आप देखना कहीं टीवी में कोई सीरियल आता होगा, आप देखना 3-3 घंटा बैठ कर सुन लेते हो, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए मन नहीं लगता, छटपटाओ छटपटाओ, कब खत्म हो कब खत्म हो, इसको कहते हैं भिखे। भिखे मतलब होता है भजन करते समय मन नहीं लगे, ये कब खत्म, माला खत्म नहीं हो रही, रोटी ठंडा होते जा रही, अभी तक माला खत्म नहीं हो रही, ये जैसे कब उठे कब खत्म हो, छटपट छटपटा नहीं, कहते नहीं हम कथा सुने आगे। वाल्मीकि का नाम सुने हो? उन्होंने इतने पहले दस्यु रत्नाकर था, वो दस्यु डाकू था है? लेकिन बोलो राम राम बोलो, उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला हाँ ये तो बोल सकता हूँ। इसलिए मरा मरा कहते बोलते बोलते उसको सारा शरीर में दिमक चाट गया, केवल हड्डी अंदर में जो मज्जा था ना, उससे राम श्री राम श्री राम का नाम आ रहा था है? ये भक्ति तभी फल देगी जब एक जगह पर बैठ करके एक मन को, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, कल उसका एग्जाम है, कैसे पढ़ाई करता है देखना, रात भर सोता नहीं, रात भर सोता नहीं, पूरा पुस्तक को दिमाग में लेकर जाएगा। बोले क्यों? अगर इसका पढ़ेंगे तो एग्जाम में पास करेंगे, एग्जाम में पास होगा तो बढ़िया नंबर आएगा, नंबर आएगा तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल करके तुम सुखी हो जाओगे, जिनको नौकरी मिल गया शादी हो गई पूछोगे तो सुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई परिवार से दुखी दुखी दुखी, लेकिन भगवत भक्ति से 100% आप इसमें सुखी बनोगे ही। ये बिजनेस में अभी तक कोई फेल नहीं हुए, दुनिया के बिजनेस से तुम फेल हो सकते हो, लेकिन भक्ति का मेरा फेल हुई है, हनुमान जी फेल हुए हैं, तुलसीदास जी फेल हुए हैं, हैं? प्रहलाद ध्रुव फेल कोई हुए हैं, कोई ये बिजनेस से कोई फेल अभी तक हुए ही नहीं, सबके सब सक्सेसफुल हुए। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ा स्वप्न क्या जानते हो, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, हमारी एक बहुत बड़ा स्वप्न है हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। भैया जो 20 साल पहले हीरो हीरोइन थे उनका नाम कोई ले रहा है? बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन कोई नाम ले रहा है? अक्सर करके हीरोइन का जीवन सुनेंगे ना, इतना डिप्रेशन में आई, सबके सब सुसाइड करके मरे। अब ये बहुत बड़ी हीरोइन बाथरूम में जो मर गई, कौन थी वो? श्रीदेवी, पी पा करके बाथरूम में खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर संत लोग कहते हैं अरे हीरो बनना ना, हनुमान बनकर हीरो बनो, हनुमान जैसे बनकर हीरो बनना ना, मीरा बनकर के हीरो बनना ना, है मीरा बनकर के हीरो बनो, जिसका नाम हनुमान जी कब आए थे? तृतीया युग में, जानते हो तृतीया युग कितने करोड़ों साल पहले, अभी इनका नाम अमर है। ध्रुव कब आए थे? सत्य युग में, प्रहलाद सत्य युग में। यहाँ संत लोग कहते भैया हीरो बनोगे ना, भगवान के भक्त बनकर के हीरो बनो, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी नाम की जगत में अमर हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पर कहते भिखे। भिखे मतलब होता है भक्ति एक जगह पर बैठ कर मन लगा कर कथा सुननी चाहिए। लय भिखे बोले अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है जैसे आगे हम सुनेंगे, भरत महाराज जी
भजन करते करते हिरण में आसक्ति हो गई और दूसरे जीवन में हिरण बनकर गया। मतलब भक्ति कथा सुनते समय एक मन से कथा सुनो। और रसास्वाद, रसास्वाद का मतलब होता है जैसे माला भी जप कर रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, अंगुल भी चल रहा है, लेकिन जो मन है ना किसी दोस्तों के पास में चला गया, नहीं तो किसी गोलगप्पे की दुकान में, नहीं तो सिनेमा हॉल में चला गया, लेकिन इधर तो प्रभु का भजन हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन मन यहाँ नहीं, मन और किसी चीज की आस्वादन कर रहा है, मन और किसी चीज की रस ले रहा है, फिर कथा फल नहीं देगी। इसलिए अगर एक मन से कथा सुनेंगे तो आप 7 दिन में जो मांगोगे, भागवत को बताने कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे 7 दिन से अगर कथा सुनोगे। मैंने बहुत जगह पर देखा है, अभी मैं गया था नोएडा में कथा करने के लिए, ग्रेटर नोएडा में, एक माता जी 15 साल से बच्चा नहीं था, उसने भागवत पर फल रखे कर लेकर गई और उसको 15 साल में बच्चा हुई, और एक क्लास में 12 साल की बच्चा नहीं थी किसका नो। बहुत सारी जगह में देखा है जो एकदम नियम से ही कथा को सुने ना, एकदम एक मन से सब चीज को, जो कुछ मांगा ये भागवत से, ये सब चीज को दे दिया, और लास्ट में भगवत भक्ति, जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें भगवत धाम ले जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग एक मन से कथा सुनना और भागवत सारी इच्छा को हमारी पूरी करेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। आप लोग खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गाएंगे। देखो ये अधिक महीना है ना, अगर एक बार नाचोगे तो 100 बार नाचने का फल मिलेगा, और भगवान की कीर्तन में नाचने का बड़ा पुण्य है, हैं बड़ा पुण्य है। इसलिए प्रभु जी के भजन गाएंगे, जो नाचने का हरि बोल, हरि बोल श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरि बोल हरे कृष्ण। हरि का नाम बने बने जाओगे, खाना की बने जाओगे, बने जाओगे, बने जाओगे, बने जाओगे। हर खाना की बने बने जाओगे, बने बने जाओगे, बने बने जाओगे, बने 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 जाओगे, I'm gonna make you mine।
आरती करते हो, ध्यान को बंद कर दो, इसलिए ध्यान को पंखा बंद कर दो, यहाँ पर कौन है, ये पंखा को बंद करो। Thank you.
एक बार सब सब हाथ उठाओ मेरे साथ में नाचना। कुछ तो गोपियां नाच रही थी और कोई नाच नहीं रही थी। सब के सब हाथ उठाओ, सब उठाओ, सब हाथ उठाओ। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल,
सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, बाद में जो लगा आप मिलेगा, पहले जो लगा।